हर रोज की तरह आज भी मुंबई इंडियंस स्टेडियम की ओर से काफी सारे अपडेट बाहर निकल कर आ रहे। तो हर रोज की तरह आज हम आपको इस वीडियो में जो मुंबई इंडियंस स्टेडियम से रिलेटेड अपडेट है वो सारी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस स्टेडियम जीते IPL 2023 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर IPL से वीडियो हमारे कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की या फिर कहले पहले बड़े अपडेट की जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आ रहा है। ये बड़ा अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम के युवा खिलाड़ी ट्रस्ट एंड स्टब्स की तरफ से और डेविड ब्रेविस की तरफ से निकल कर आ रहा है। दरअसल दोस्तों ये दोनों युवा खिलाड़ी काफी अच्छा परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की टीम के लिए कर रहे हैं और इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने इनको T20 वर्ल्ड कप में भी मौका दे दिया। जी हाँ दोस्तों, तो ट्रस्ट एंड स्टब्स की भी एंट्री होते हुए हमें अब T20 वर्ल्ड कप में दिखने वाली है। तो काफी दिनों से खबरें आ रही थी और इस पर कंफर्मेशन भी आ चुकी है कि ट्रस्ट एंड स्टब्स का चयन कर लिया गया है T20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका की टीम में। और दोस्तों अगर इन खिलाड़ियों की बात की जाए, दोनों खिलाड़ियों की बात की जाए, तो दोनों खिलाड़ी हमें IPL में MI की टीम की ओर से खेलते हुए दिखने वाले हैं। और दोस्तों MI की टीम के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है क्योंकि दोस्तों MI की टीम एक साथ इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी टीम की प्लेइंग 11 में जगह नहीं दे सकती है। MI की टीम को डेविड ब्रेविस को ट्राई करना होगा या फिर ट्रस्ट एंड स्टब्स को हमें ट्राई करते हुए MI की टीम दिखने वाली है IPL 2023 के सीजन में। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, मुंबई इंडियंस की टीम को ट्रस्ट एंड स्टब्स को अपनी टीम की प्लेइंग 11 में मौका देना चाहिए या फिर डेविड ब्रेविस को, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अभी जो T20 लीग शुरू है उसमें दोनों ही खिलाड़ी काफी तहलका मचा रहे और दोनों ही खिलाड़ी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो MI की टीम के लिए बड़ी समस्या बनने वाली है। आखिर इन दोनों खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी को अपनी टीम की प्लेइंग 11 में मौका दे, तो काफी अपडेट इन खिलाड़ियों की तरफ से निकल कर आ रहा था। और अगर दूसरे बड़े अपडेट की बात की जाए तो यह बड़ा अपडेट सुरेश रैना की तरफ से निकल कर आ रहा है। दरअसल दोस्तों सुरेश रैना ने IPL से भी संन्यास ले लिया है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन IPL की काफी सारी फ्रेंचाइजियां चाहती है कि सुरेश रैना उनकी टीम में आ जाए, लेकिन एज अ प्लेयर नहीं, एज अ कोचिंग स्टाफ के किसी भी पद पर यानी किसी भी मेंबर के तौर पर सुरेश रैना किसी भी IPL फ्रेंचाइजी में आ जाए। और काफी सारी IPL की फ्रेंचाइजियों ने और IPL की टीमों ने काफी सारे प्रपोजल भी दिए थे सुरेश रैना को कोचिंग के लिए, लेकिन दोस्तों सुरेश रैना ने सारी टीमों को मना कर दिया है। जहां दोस्तों उनमें से एक मुंबई इंडियंस की टीम भी थी, मुंबई इंडियंस की टीम भी चाहती थी कि सुरेश रैना एज अ मेंटोर या फिर किसी कोचिंग स्टाफ के किसी भी पद पर MI की टीम में आ जाए। इससे MI की टीम के युवा खिलाड़ियों को काफी बेनिफिट होता था। अर्जुन तेंदुलकर के और तिलक वर्मा के आइडियल तो सुरेश रैना ही है, तो MI की टीम इसलिए चाहती थी कि सुरेश रैना MI की टीम के मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाए या फिर कोचिंग स्टाफ के मेंबर का हिस्सा बन जाए। लेकिन सुरेश रैना ने साफ मना कर दिया IPL की हर फ्रेंचाइजी को। अब सुरेश रैना में विदेश में लीग खेलते हुए दिखने वाले, जहां दोस्तों हमें रोड सेफ्टी में खेलते हुए जो लीग होने वाले उसमें दिखने वाले हैं, और बिग बैश लीग में भी सुरेश रैना दिखने वाले और लेजेंड लीग में भी हमें सुरेश रैना खेलते हुए दिखने वाले हैं। और रैना अब हमें IPL में नहीं नजर आने वाले और हो सकता है कि हमें कॉमेंट्री बॉक्स में भी नहीं दिखे। वैसा दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, MI की टीम को कौन से खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए IPL 2023 के मिनी ऑक्शन में, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।